सो वीवो V29 इस फोन को यूज करते हुए मुझे आज ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके हैं। दैट मीन्स टाइम आ गया है कि हम इस फोन का डिटेल में रिव्यू करें, क्या अच्छी चीजें, क्या बुरी चीजें, कहाँ पर ये फोन डिसेंट तरीके का परफॉर्म करता है। डोंट वरी, सब कुछ आज के इस वीडियो से पता लग जाएगा, क्योंकि इस फोन के साथ ना मैं रेफरेंस में वीवो V27 आप लोगों की डिमांड पर एंड द मोस्ट हाइप्ड स्मार्टफोन मोटो H40 को भी रखने वाली हूँ। तो इनके साथ अगर बात करूंगी तो आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि Vivo V29 कहां पर स्टैंड करता है, सब कुछ पता लगेगा इस वीडियो में। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, अभी सबसे पहले तो मैं यहां पर शुरुआत करने वाली हूं इस फोन के कैमरा से, और रेफरेंस में मैंने Vivo V27 एंड Moto H40 को तो रखा ही है यहां पर। तीनों ही फोन में ना 50 megapixel का कैमरा सेटअप दे रखा है विद OIS। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि Vivo V27 एंड Vivo V29 में अगर आपको यह लग रहा है कि सेम सेंसर यूज किया गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। Vivo V27 में सोनी का सेंसर यूज किया गया था, और इस बार Vivo V29 के अंदर सैमसंग का आइसोसेल GN5 सेंसर यूज किया गया है। लेकिन हाँ, दोनों में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है। Moto H40 में जो सेल्फी है वो 32 मेगापिक्सल का है। अभी मैंने तीनों ही फोन के कैमरास से फोटोज कैप्चर करे हैं अलग अलग लाइट कंडीशन में, और फोटोज को देख के ना एक चीज तो मुझे समझ में आ गई है क्लियरली कि Vivo के स्मार्टफोन की जो कलर साइंस है वो डिफरेंट है Moto के स्मार्टफोन की कलर साइंस से, जो कि ऑब्वियसली बात है होना बनता भी था। Vivo वर्सेस Moto कहीं ना कहीं हो गया है यहां पर। लेकिन Moto का मैं एक चीज आपको बता दूं, देखो पहले से तो ये बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड हुआ है, लेकिन अभी भी मैंने कई बार फोटोज में देख रही हूं कि ये अजीब से फोटोज निकालता है कुछ कुछ जगह पर, और बिल्कुल वॉश्ड आउट फोटोज आती है। ये एक जगह नहीं, मैंने कुछ सेल्फीज वगैरह में भी ये चीज नोटिस करी है यहां पर Moto की। लेकिन Vivo V29 एंड 27 दोनों काफी अच्छे फोटोज निकालते हैं, एकदम डिटेल्ड शार्प कलरफुल फोटोज जो बोलते हैं ना उस तरह के फोटोज है। लेकिन 29 के फोटोज की मैं बात करूं ना, बहुत ही 19-20 का फर्क है, आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो Vivo V29 थोड़ा सा लाइट कंट्रोल ज्यादा बेटर तरीके से कर पाता है, फेस पर अगर फ्लेयर्स आ रहे हैं तो उनको ज्यादा अच्छे से बैलेंस कर पाएगा। लेकिन Vivo V27 जो है वो आर्टिफिशियल लाइट वगैरह में जो फोटोज है वो ज्यादा बेटर निकाल के देता है, मतलब बैकग्राउंड के एक्सपोजर के साथ आपके फेस पर जो कलर्स वगैरह उन सबको अच्छे से बैलेंस कर देता है, जो जहां पर Vivo V29 थोड़ा मात खा जाता है। बाकी लो लाइट में आप तीनों से ही अच्छे फोटोज ले सकते हो, तीनों में ही आप वो जूम्ड पोर्ट्रेट फोटोज निकाल पाओगे। Vivo के फोन में 2x पोर्ट्रेट फोटोज आप ले सकते हो, जो कि अच्छी क्वालिटी के फोटोज यहाँ पर ये निकाल के देता है। लेकिन जो भी है मैंने आपको बता दिया, देखो Moto तो इस रेस में नहीं है, लेकिन हाँ Vivo V29 27 दोनों अच्छे फोटोज ले रहे हैं। जहां तक यहाँ पर बात करी जाए वीडियोज की, तो मैं एक चीज बता दूं, तीनों ही फोन से ना 4K तक की सेटिंग में वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्रंट से भी रियर से भी। लेकिन Motorola को नहीं पिक्चर में रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि फोटोज में भी ये इतना अच्छा कंपटीशन नहीं दे पा रहा था, और इसकी वीडियोस मुझे पता है नहीं इतने अच्छे निकल के आते। तो मैंने यहाँ पर Vivo V27 और Vivo V29 को ही रखा है, और वीडियोस के मामले में मैं बोलूंगी कि मुझे ज्यादा बेटर वीडियोस जो है वो Vivo V29 के लगे हैं यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा अच्छे कलर्स है। Vivo V27 की कुछ जगह में थोड़ी सी ज्यादा ही रेडिश टाइप की स्किन टोन लगती है, जबकि स्किन टोन वगैरह को काफी अच्छे से बैलेंस किया है Vivo V29 के अंदर। और आप यहाँ पर ना बुके वगैरह में भी वीडियोस निकाल सकते हो दोनों ही फोन से। ओवरऑल देखो, अगर आप मुझसे पूछो ना कि कौन सा फोन लुक कैमरा के लिए, फोटोज भी कैप्चर करनी है वीडियोस भी निकालनी है, सिंपल सा आंसर है Vivo V29 ले लो, मतलब किसी चीज का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 27 में एक चीज अच्छी है फिर एक चीज नहीं इतनी अच्छी है, तो उससे ज्यादा बेटर है आप Vivo V29 के कैमरा पर अगर स्टिक रहोगे तो आपको फोटोज और वीडियोज दोनों के लिए एक अच्छा कैमरा फोन मिल जाएगा। खैर जो भी, अभी आगे बढ़ते और बात करते हैं फोन की डिस्प्ले एंड मल्टीमीडिया कंजप्शन के बारे में। तो देखो, ये फोन भी ना कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, जैसा Vivo V27 एंड Moto H40 भी आते हैं, वहां पर भी कर्व्ड एमोलेड पैनल ही दे रखा है। लेकिन बात यह है कि Moto H40 के अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जबकि यहां पर बाकी दो में 120 हर्ट्ज का। अभी 144 हर्ट्ज डेफिनेटली 120 हर्ट्ज से थोड़ा सा और ज्यादा स्मूथ फील होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 120 हर्ट्ज इधर लैग वगैरह कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैक्सिमम एप्लीकेशन 120 हर्ट्ज पर पहली बार तो चलती भी है, काफी स्मूथ फील भी होती है। आउटडोर्स में मैं डिस्प्ले को लेके गई हूँ, काफी अच्छी खासी ब्राइट भी रहती है, कलर्स वगैरह जितना अभी तक मैंने देखा है, जितना कंटेंट कंज्यूम किया है, काफी अच्छे कलर्स निकल के आते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये बेटर है एक चीज में, कि नेटफ्लिक्स पे ना आप इस फोन में HDR में कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, बाकी दो में ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। बट कुछ कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना है। पहली बात तो मुझे इस फोन के हैप्टिक्स
नहीं पसंद आया, जो मुझे वीवो V27 के भी नहीं अच्छे लगे थे, तो वो यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट उस केस में तो नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ना स्पीकर्स जो है वो मोनो स्पीकर्स दे रखे हैं, वीवो V27 में भी मोनो स्पीकर्स ही थे, और मोनो स्पीकर के हिसाब से फिर भी बोलूँगी कि अच्छे हैं, लेकिन यार 33,000 के हिसाब से डेफिनेटली जस्टिफाई नहीं है ये। तो यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स होने चाहिए थे, और वो स्टीरियो स्पीकर्स मोटो H40 में दे रखे हैं जो कि काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस भी करते हैं, तो डेफिनेटली ये कुछ चीज़ों को मैं मिस कर रही हूँ इस फोन में। बट हाँ, डिस्प्ले की अगर बात करूँ तो वो डेफिनेटली अच्छी है यहाँ पर। एनीवेज, अभी यहाँ से सीधा बढ़ते आगे और बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस एंड इस फोन के UI के बारे में भी। लेकिन उससे पहले ना, अगर आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी इस वीडियो में थोड़ी डाउन है, तो हो सकता है क्योंकि अभी जस्ट मुझे वायरल होके ख़त्म हुआ है। मैं अभी फिलहाल ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा रिकवरी मोड में हूँ, तो इसी वजह से वीडियोस थोड़ा सा डिले भी हो गई। बट एनीवेज, मैं वापस से ट्रैक पर आ चुकी हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रही थी। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट के साथ आता है ये स्मार्टफोन। किसी भी वे में ये चिपसेट इस फ़ोन में नहीं होना चाहिए था, वो भी 30,000 की प्राइस रेंज के हिसाब से। इस चीज़ पर मैं पूरी तरह से अग्री करती हूँ, लेकिन बात ये है कि ये फ़ोन ना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर आपको गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन चाहिए और आप उसके लिए इसको कंसिडर करने का सोच रहे हो, तब तो नहीं, मैं मना करूँगी उसके लिए। लेकिन अगर आप उनमें से हो जो अपने वीडियो शूट करके उन्हीं को एडिट करना चाहते हो, या फिर आप थोड़ी बहुत मज़े के लिए गेमिंग करना चाहते हो, वहाँ पर ये फ़ोन बिल्कुल ज़बरदस्त है। इसके थर्मल्स काफ़ी अच्छे से मैनेज किए हुए हैं ब्रांड ने, तो उस हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरी टेस्टिंग है, मैंने आप लोगों को वो बता दिया। बट हाँ, अगर आप एंतुतु वगैरह निकाल के देखोगे तो ऑब्वियसली इसके एंतुतु स्कोर बाकी दो से कम थे। मैंने जब CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया, तब ये CPU थ्रॉटलिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मतलब स्कोर्स भी अच्छे थे, थ्रॉटल भी बिल्कुल नहीं किया, तो वहाँ पर मुझे सही लगा। और जब मैंने वीडियो एडिट वगैरह भी करके देखा, उसमें भी ये सही तरीके से वीडियो रेंडर कर देता है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेता है रेंडर करने में, तो मुझे तो इसकी परफॉर्मेंस सही लगी। मतलब ये ऐसे डिसेंट परफॉर्मिंग चिपसेट है जो कि आपका काम आराम से चला देगा, बात सिंपल से इतनी है। इसके अलावा अगर आप ये देखोगे कि इस फोन का UI अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर देखो क्या है ना, वीवो का UI वही होता है, ब्लॉटवेयर्स वगैरह तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, जो वीवो V27 में भी थे। हॉट एप्स, हॉट गेम्स इस फोन में भी है, जो उसमें भी थी, बट आप उनको सेटिंग्स में जाकर थोड़ा सा हटा सकते हो, एटलीस्ट आपको UI में वो चीज़ नहीं नजर आएगी। बट एक्चुअली में क्या चीज़ मुझे थोड़ी ज़्यादा बॉदर करती है UI में, इनके जो वीवो ऐप स्टोर से जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं ना, वो थोड़ा सा खटकते हैं, तो वो एक चीज है जिसको आपको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा। बट अदर देन दैट, मैं एक चीज आपको बता दूं कि 30,000 का स्मार्टफोन है, वीवो V27 भी इतने का ही था, लेकिन इन पे NFC का सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, जबकि मोटो के फोन में आपको NFC का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। जब वीवो V27 आया था ना, तो इसमें N41 N77 दोनों इंपॉर्टेंट 5G बैंड मिस कर दिए थे ब्रांड ने, लेकिन वीवो V29 के अंदर N77 है, N41 5G बैंड अभी भी यहां पर मिस करा हुआ है ब्रांड ने। ओवरऑल मैं ये बोलूंगी कि परफॉर्मेंस एंड UI के मामले में ना डिसेंट है वीवो V29, ऐसा बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं तो बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है। वैसे जहां तक बात रही इस फोन की बिल्ड क्वालिटी एंड लुक्स के बारे में, तो यहां पर जैसा वीवो V27 हमें देखने को मिला था ना, कलर चेंजिंग बैक वगैरह, उसी तरह से ये भी आता है, लेकिन वो कलर चेंजिंग वाला कलर डिफरेंट है। मेरे पास जो कलर है इसमें कलर चेंज नहीं होता है। बैक साइड में जो ग्लास है वहां पर पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन यूज करी गई है। फ्रंट में जो ग्लास है, इधर स्कॉट सेंसेशन अल्फा की प्रोटेक्शन यूज करी गई है, ये मैंने पता किया था, वहीं से मुझे पता लग पाया है। फ्रेमिंग वगैरह इधर प्लास्टिक की है, लेकिन मोटो H40 में जो फ्रेमिंग है वो थोड़ा मेटल वगैरह की दे रखी है, तो वो थोड़ा और ज्यादा बेटर हो जाता, बट ये भी कहीं से बुरा नहीं है। तो बिल्ड वगैरह के मामले में, स्पेशली लुक्स के मामले में, मैं बोलूंगी काफी अच्छा लगा है मुझे ये फोन। खैर, अभी जहां तक बात रही फोन के बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट की, तो देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब जैसा वीवो V27 में 4600mAh की बैटरी थी, उसी तरह से 4600mAh की बैटरी इधर है। लेकिन क्या था ना कि वीवो V27 के टाइम पर उन्होंने 67-68W का चार्जर दिया था, इधर 80W का चार्जर दिया है, जिसकी हेल्प से ये फोन 0-100% ना 50 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है, आराम से एक दिन चल जाता है। मतलब मेरे यूसेज में, जहाँ पर मैं थोड़ा बहुत वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ इसमें, साथ में थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह भी करके देख रही हूँ, तब भी ये फोन एक दिन तक का बैकअप दे देता है। अगर आप थोड़ा और हैवी टास्क भी परफॉर्म करोगे ना, एक दिन ना भी सही, तो रात तक तो आराम से चल जाएगा। तो बैटरी बैकअप मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी
सेटिस्फैक्ट्री टाइप का मिला है मुझे यहाँ पर, जो चीज़ अच्छी है। अभी आप मुझे बोलोगे सीधा सीधा बताओ ये फ़ोन लेना भी चाहिए या फिर नहीं। देखो इन दो के कंपेरिजन में अगर बात करूँ ना, तो वीवो V27 जो है वो भी 33 का था, ये भी 33 का है, मोटो H40 लेकिन 30,000 की प्राइस में मिल जाता है। अभी अगर आपकी प्रायोरिटी उनमें से कि नहीं मुझे सिर्फ यहाँ पर अच्छा UI चाहिए, थोड़ा स्लिम लाइट वेट फ़ोन चाहिए, तो मोटो H40 अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन इसके कैमराज इतने ज़्यादा प्लीजिंग टाइप के मुझे पर्सनली नहीं लगे यहाँ पर। तो अगर आप उनमें से हो जिसको कैमराज भी प्रायोरिटी है, तो देन मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वीवो V29 की तरफ ही जाएं। वीवो V27 को भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसकी वीडियोग्राफी काफ़ी अच्छी है, आप इस फोन से अच्छे खासे वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, डिस्प्ले वगैरह अच्छी है ही यहाँ पर। परफॉर्मेंस मैं बोलूँगी कि हाँ सबसे बेस्ट नहीं मिलेगी, लेकिन डिसेंट टाइप की आपका डेली का काम चल जाने वाली परफॉर्मेंस ये फ़ोन आराम से निकाल के दे देता है, तो डेफिनेटली आप इस फोन को चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगेन बात हो जाती है कि 33,000 का है, लेकिन लेना नहीं है 33 में, ठीक है। ऑफलाइन स्टोर में जाके या तो 30,000 तक की प्राइस में परचेस करो, या फिर बैंक वगैरह का ऑफर वगैरह लगा के 30,000 की प्राइस में परचेस करोगे तो ज्यादा सेंस बनाएगा। आई होप आपको मेरा पॉइंट यहां से समझ में आ गया होगा और आपको पता लग गया होगा कि वीवो V29 आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से लेना चाहिए या फिर नहीं। अगर वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से करिएगा, बाकी तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।